यार, मुझे डर लग रहा भाई। डर सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो टाइम हो रहा है 11:20 और टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस। और अभी हम अपने घर से आ गए हैं 35 किलोमीटर दूर। अभी हम रामनगर में हैं और अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से तकरीबन रह गई है 35 किलोमीटर रह गई होगी, 45 किलोमीटर। मैंने घर से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं करा क्योंकि घर से तो 2-3 दिन से ब्लॉग स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो सोचा रास्ते में जाके ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो नदी में मेरे साथ और बाइक में यहाँ तक मैं चला के लाया था, अब यहाँ से नदी चलाएगा आगे। अभी चलते हैं, दस्ताने वगैरह पहन के आए थे, बहुत ज्यादा ठंड है, पर अब यहाँ धूप निकल जाएगी पहाड़ों पे, आगे जाके कुछ खाते हैं। पहले घर से तो नाश्ता करके आए थे और टाइम ऑलमोस्ट लंच का तो हो गया है, पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद आगे जाएंगे। और आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, जैसा सोचा है अगर वैसे ही मिल गई तो मजा आने वाला है। तो लंच कर लिया है, यहाँ 11:45 हो रहे हैं। तो जिम कॉरिडोर पार्क के हम पूछ रहे थे, यहाँ भैया आपका नाम प्रेम भंडारी जी से हमने पूछा, तो ऑनलाइन बता रहे हैं जिम कॉर्बेट ऑनलाइन करके डालोगे तो भी हो जाएगा, तो इसीलिए पूछ लिया हमने, कभी इन फ्यूचर आएंगे। अब जून तक खुला है ये, गाड़ी में 6 बंदे वैलिड है, 4500-4600 पड़ता है पर जीप का, और उसमें एक गाइड भी मिलेगा और 3 घंटे की राइड रहेगी घुमाने की। तो अब चलते हैं मंजिल की ओर सफर का मजा लेते हुए। मस्त वेदर हो रहा है, हल्की हल्की धूप निकल रही है और सामने हमारे गिरजा मंदिर दिखाई दे रहा है और पीछे ये बड़े बड़े पेड़। सुहाना सफर दोस्त अपने साथ, मजा आ रहा है। और ये अच्छा सा पुल लोहे का और साइड में बहुत ज्यादा गहरा है, ये बहुत गहरा नदी, मत रोक। ये देखो कितना गहरा है ये, ओए होए होए होए, जूम करूं। तो टाइम हो रहा है 12:25 और अभी हम हैं मोहान से 2 किलोमीटर पहले, और यहाँ एक जगह मिली जहाँ पहाड़ों पे से पूरा पानी आया हुआ था, सब यहाँ पत्थर ये सब बारिश के साथ पानी में आया हुआ है। और मैं जंगलों में इसलिए ज्यादा घूम रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव से पास में जिम कॉरिडोर पार्क है, 25 किलोमीटर दूर ही यहाँ जिम कॉरिडोर पार्क है, तो इसलिए यहाँ घूमने आ जाता हूँ। आज जा रहे हैं हम एक मरचूला नाम की जगह है, वहाँ एक अच्छा सा एक ब्रिज है, बहुत खूबसूरत लगता है, रामगंगा नदी के ऊपर है वो, वहाँ चलते हैं अभी। और नदी में बाइक चला रहा है पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं आज तक पीछे नहीं बैठा हूँ पहाड़ों पे किसी के साथ, तो जब मैं चलाता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कोई चला रहा है तो मुझे डर लग रहा है। वैसे नदी में बहुत अच्छी बाइक चला रहा है पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। जब हम रानी खेत गए थे तो यहाँ रास्ता बिल्कुल ठीक था, बारिश इतनी हुई है, पानी इतना आया है कि यहाँ छोटी सी वाटर क्रॉसिंग बन गई है, कितनी तबाही करी है पानी ने। आप मेरी रानी खेत की वीडियो देखना, जिसने मेरी रानी खेत की वीडियो नहीं देखी है आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके देखना। ये रास्ता बिल्कुल अच्छा था और अभी जो पिछले बार अरे चली, और अभी हमें हिरन दिखाई दिए, भाग रही है यार, अभी हमें हिरन दिखाई दी थी जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो अंदर भी गया मैं पर मुझे मिली ही नहीं। नदी में जैसे कहा ना हिरन, तो वो इसी आवाज को सुन के भाग गए। क्या खूबसूरत व्यू है। तो रास्ते में मैं अभी पत्थर पड़ा मिला, इसे साइड कर देते हैं क्योंकि किसी को गिरा सकता है। तो अब यहाँ से आगे मैं राइड करता हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा राइडिंग का मजा लेना है, नदीम ने तो ले लिया। ये रास्ता हमारे लिए बिल्कुल नया है और यहाँ छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग। यहाँ हम पहले रानीखेत आए थे तो इस रास्ते पे नहीं आए थे और ये रास्ता हमारे लिए पूरी तरीके से नया है, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। तो इस रास्ते पे वाटर क्रॉसिंग बहुत है, यहाँ बारिश पड़ती रहती है पहाड़ों पे, मेरे साइड में रिवर चल रही है। तो यहाँ अच्छी खासी चेकिंग चल रही है, हर किसी को रोक के पेपर चेक करे जा रहे हैं। वहाँ नदी में लगा हुआ तो है कुछ बात बात करने में, फिर देखते हैं क्या होता है। पुलिस वाले अंकल से बात करी कि सर ऐसे ही बस वीडियो बनाने जा रहे हैं और कभी कभी आते हैं हम, तो उन्होंने कहा कि जाओ यार, ना तुम्हारा पोल्यूशन है ना इंश्योरेंस है, चलो जाओ वीडियो बनाओ, उन्होंने छोड़ दिया हम आ गए। और अचानक से मौसम बदल गया है, सामने देखो बारिश पड़ने का मौसम हो गया और बारिश पड़ भी रही है हल्की हल्की सी, कहीं धूप कहीं छाव। पहले यहाँ चाय पीते हैं फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको हमें जाना कहाँ है। इस रास्ते से बारिश पड़ गई, थोड़ा मुझे चिकना लग रहा है ये बाइक जाएगी नहीं जाएगी ऐसे ऐसे, और हमें उधर जाना है और मौसम एकदम से चेंज हो गया, बारिश पड़ने लगी है। इधर तो कहीं से धूप भी निकल रही है, इधर बादल भी है। चाय की चुस्की, मौसम का मजा ले रहे हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, मेरी जैकेट पे दिखाई दे रही होगी।
इसे पकड़ा था पुलिस वालों ने, हमारा पोल्यूशन और इंश्योरेंस नहीं था बाइक का। उन्होंने कहा नंबर प्लेट तो कम से कम गवर्नमेंट वाली लगा लो, लाइसेंस तो दिखा दिया था, कह रहे जाओ फिर वीडियो बनाओ, उन्होंने छोड़ दिया। हम आ गए, कम से कम 500 का चालान काटते हो। टाइम हो रहा है 3:41, और अब सबसे मुश्किल टास्क इस रोड ट्रिप का कि हमें नीचे बाइक उतार के लेके जाना है। आप सभी को दिखाएंगे कैसे उतारी हमने, कैमरा चालू रहेगा, टास्क कंप्लीट करके आते हैं, गिरना नहीं है यार। पहले गियर में बाइक उतारेंगे आराम आराम से, क्लच दबाने नहीं है यार, मुझे डर लग रहा भाई। इधर पैदल चलें, तू उतर नदीम, तू उतर, तू आगे चल। फिसलन की वजह से डर लग रहा है ना यार, और मुझे अपना हेलमेट और एक्शन कैमरा लेके आना चाहिए था। मुश्किल है यार, पर अब तो उतर गई। जो मुश्किल टास्क था वो हमने पूरा कर लिया, क्योंकि वहाँ चिकना था तो इसलिए डर लग रहा था, बट अब यहाँ से हमने उतार दी है और आगे भी उतार देंगे। कैमरा इसलिए चालू रखना पड़ रहा है, अगर गिरे तो कम से कम वीडियो तो आनी चाहिए गिरने की। अगले ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल ना करें ऐसी जगह पे, क्योंकि एक बार मैं लद्दाख में गिर चुका हूं। और हाँ, लद्दाख की वीडियो जिसने नहीं देखी हो देख लो, 12 एपिसोड है, 10 दिन की जर्नी है, उसमें 3000 किलोमीटर चले थे, लिंक डाल दूंगा आई बटन में। इधर से जाना होगा नदी, रिवर से निकालेंगे अब जूते बचा के। वाओ, मजा आ गया। तो फाइनली टास्क पूरा हो गया, और हवा क्या ठंडी चल रही है अच्छी, और बीच नदी में इस टाइम हम, अभी हमने वाटर क्रॉसिंग भी कर दी जैसा आपने देखा, ये वाला ब्रिज देखने आए थे हम। यहाँ अभी का सबसे बेस्ट टाइम गर्मियों का है, गर्मियों का, और ये मौसम भी अच्छा है। खैर बरसात होने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना, थोड़े बहुत फोटो शूट कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, और सारे फोटो और रील्स और स्टोरी इंस्टाग्राम पे आएगी। तो फोटो शूट कंप्लीट कर लिया है इस पुल का, ये वायर ब्रिज है, और अभी नीचे चलते हैं, आपको समझ में नीचे जाके आएगा कि हम किस लोकेशन पे आए हुए हैं। तो पहले नीचे चलते हैं, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, बहुत बहुत अच्छी अच्छी फोटो आने वाली है। नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम किस खूबसूरत लोकेशन पे आए हैं। फोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छी है, और बारिश पड़ने लगी है, बारिश ऐसी हो रही है, कभी गिर रही है कभी रुक रही है, क्योंकि वहाँ धूप भी निकल रही है। नदीम कुछ कहना चाहता है? बारिश आने की वजह से यहाँ सब में पानी हो जाता है। हाँ, एकदम जब बारिश पड़ती है ना यहाँ पूरे में पानी पानी हो जाता है। तो अभी हम बीच नदी में खड़े हैं। ओ, सांस फूल गया, बहुत अंदर चल के आया यार। नदीम, ठंडे पानी में मुंह धोके कैसा लगा? अच्छा। मैं भी धोता हूँ एक बार यार, पर मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही, फिर भी मैं धोके देखता हूँ कैसा लग रहा है पानी, ठंडा पानी एकदम, मीठी मीठी बारिश पड़ रही है। मजा आ गया। नदीम पहले अंदर तो चला गया, हवा आने में दिक्कत हो रही है, पर आ तो गया। तो फोटो वगैरह खींच लिए हैं, वीडियो बना लिए इंस्टाग्राम के लिए भी, और अब बस निकल रहे हैं यहाँ। और आपको आना है यहाँ तो रामनगर से आगे है ये मड़चूला नाम जगह है एक, और उससे 1 किलोमीटर पहले ये जगह पड़ती है, यहाँ रिसोर्ट वगैरह भी हैं को रुकने के लिए, और मेरे पीछे उधर भी हैं। ये पुल इसीलिए बनाया है रिसोर्ट में जाने के लिए। अब यहाँ से निकलते हैं, हल्की हल्की बारिश ही पड़ रही है, आपको मेरी जैकेट पे दिखाई दे रही होगी, और टाइम ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। मौसम और अच्छा होता है यहाँ, धूप और अच्छी निकली हुई होती तो बहुत मजा आने वाला था, बस मैं यही आपको दिखाने आया था, क्योंकि फोटो में बहुत अच्छी जगह लग रही थी, और वाकई में अच्छी जगह है, आप फोटो देखेंगे तो आपको वाकई में अच्छी लगेगी। तो यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको यहाँ का 360 व्यू दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे ब्रिज, उसके पीछे पहाड़, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, इधर रिवर। जाते जाते एक जगह और दिखाई दी, तो सोचा वहाँ भी चल लेते, क्योंकि यहाँ दोबारा तो आना होगा नहीं, पता नहीं कब के कब आएंगे, एक बार वहाँ भी चलते हैं। नदीम, यहाँ आना वर्थ हुआ नहीं हुआ? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया यहाँ, और लोकेशन मिली थी, हम आ गए यहाँ। धूप और अच्छी होती तो फोटो अच्छे आते, हमें खाली इस साइड से वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस साइड से एकदम से अंधेरा आ जाता है। और इस ब्रिज के चक्कर में वहाँ से आए थे, और ब्रिज ने दिल खुश कर दिया। तो जितना व्लॉग हमने शूट करा उस हिसाब से लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, तो इसलिए वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। और टाइम ऑलमोस्ट 3:30 हो चुके हैं, और अभी रास्ते में जाना, तो रास्ते क्या वीडियो दिखानी, क्योंकि आते हुए तो दिखाई दी थी, और कुछ होगा इंटरेस्टिंग तो दिखा देंगे। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो क्लोज। थैंक यू मेकिंग अ पार्ट ऑफ डे, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, लव यू, मिस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़, फॉलो योर ड्रीम्स, और लाइक
शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूरी है एल्गोरिदम के लिए बस। और वीडियो को शेयर जरूर करना अगर अच्छी लगी हो तो। नदीम कहीं गया है।